ची जबाबदारी ही नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे। मात्र अमरावतीत पोलीस आयुक्त या राजकीय दबावात काम करीत होत्या। खरे तर अमरावतीत 12 आणि 13 नोव्हेंबरला जो काही प्रकार घडल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी अमरावती शहरात दडलेल्या अशा दहशतवाद्यांचे पाणी मुळे उपटले असली तर आज कदाचित उमेश कोल्हे यांचे प्राण वाचले असते असे भाजपचे नेते कपिल मिश्रा यांनी म्हटले आहे। अमरावती को लेकर एक खास बात है कि ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ उमेश कोल्हे जी के मामले में, ये 12 नवंबर को जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा अकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोल्हे जी हमारे बीच में जीवित होते। लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो कमिश्नर साहब है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, कभी अपने दिल में भी झांक के देखना, अपनी अंतरात्मा में भी झांक के देखना, सरकारें आएगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन आप अगर आतंक को छुपाओगे, दहशत को छुपाओगे, टेररिज्म को छुपाओगे तो उसका कीमत ऐसे बेगुनाह लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो देश में भी सभी पुलिस अधिकारियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों के दबाव में आतंकवादियों को बचाने का काम मत करो। अमरावती ये सबक है, इधर पुलिस एक तरह से बिछ गई थी सरकार के दबाव में आतंकवादियों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए।